चलिए बनाते हैं लोबिया। सबसे पहले हमें चाहिए 1.5 कप उबला हुआ लोबिया, उसके साथ हमें आधा कप कटी हुई गाजर, आधा कप कटे हुए टमाटर, 1 कप कटी हुई पत्ता गोभी, आधा कप कटी हुई शिमला मिर्च और इसके साथ ही 1 बड़ी हरी मिर्च कटी हुई और नींबू का रस। सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई को गर्म करेंगे। अब उसमें डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर को आधा मिनट भूनने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे कटी हुई गाजर। गाजरों को डालने के बाद हम इसे 1-2 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि हमारी गाजर थोड़ी भुन जाए। अब इसके बाद गाजरों के बाद हम डालेंगे कटी हुई पत्ता गोभी। पत्ता गोभी डालने के बाद हम इसे 2-3 मिनट तक भूनेंगे ताकि हमारी सब्जियां अच्छे से भुन जाएं और खाने में स्वादिष्ट लगें। पत्ता गोभी को भूनने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे शिमला मिर्च। हमने शिमला मिर्च बाद में इसलिए डाली है क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी भुन जाती है, इसलिए हम इसे सबसे आखिर में डालेंगे। अब इसे 1 मिनट तक भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च। ये देखिए, ये हमने डाल दी कटी हुई हरी मिर्च। इसको भूनने के बाद अच्छे से अब हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल किया है ताकि मेरी रेसिपी में थोड़ा सा लाल रंग भी आए। कश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद इसे थोड़ा सा चलाकर मिला लेंगे और अब इसके अंदर डालेंगे हम अपना उबला हुआ लोबिया। उबला हुआ लोबिया डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हल्के हाथ से, क्योंकि लोबिया उबला हुआ है और वो मैश ना हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। मैंने डाला है 1.5 चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये देखिए, गरम मसाला पाउडर डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे एक बार और अब डालेंगे इसमें 1 छोटी चम्मच नमक। नमक डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे नींबू का रस। 1 बड़े नींबू का रस ये डाल दिया। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें हम लास्ट में डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला मैंने डाला है 1 छोटी चम्मच। अब सबको मिक्स करके दीजिए, तैयार हो गया आपका लोबिया चाट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।